हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और मॉर्निंग में मैं छील रही हूँ मटर। तो आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह मटर लेकर वह बैठ गई हूँ, तो मतलब कि ये था ना कि 1.5 किलो मटर थी। और जैसे ही मैं अपना ब्रेकफास्ट करके फ्री हुई थी, तो फिर मैंने देखा था स्लिप पे मटर रखी हुई है। और अगर इसको पॉलीथीन में ना खुला मत रखो और ये बंदी रहती ना, तो बहुत ही अलग मतलब इसमें से ना फिर जो इसके बीज होते ना वो हल्के हल्के से बेकार होने लगते हैं। मैंने उसमें खोल के देखा था तो मटर ख़राब होने लगी थी। तो फिर मैं फ्री भी हो गई थी, मतलब मेरे पास अभी कोई काम भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ना मटर को छील के रख देती हूँ। मम्मी कर रही थी अपनी पूजा, तो मतलब पूजा करने के लिए नहाने गई हैं। अभी पूजा तो नहीं कर रही हैं, वो गई हैं नहाने। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पर इस काम को भी कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि ना अगर थोड़ी भी मटर होती है उसको टाइम पर छीलो ना, फिर ये लगता है कि अरे इस चीज़ के लिए फिर रहने ही दो। और मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि स्टॉक में पहले से ही सारी मटर को छील के फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो जब भी कोई भी चीज़ बनाती है तो बस एक मुट्ठी दो मुट्ठी इसमें से निकाली और डाल दो। तो अभी ये नहीं है कि चार मटर निकाल के वैसे जस्ट तभी के तभी यहाँ पर रखनी है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसको ना सारी को इसको छील के रख देती हूँ। दिव्यांश ने यहाँ पर पिन्नियों में इसको बांध के रख दिया, इसे वो ले जाएगा इनको हरी मटर को काओ को डालने के लिए छील के जो है। तो मैंने इसीलिए उसमें पॉलीथीन में ही रख दिए हैं कि अपना वो उठा के इनको ले जाएगा। तो मेरी यहाँ पर मटर छील कर हो गई है कम्प्लीट। मैं यहाँ पर रख देती हूँ उसको फ्रिज में, कि वो ख़राब तो भी नहीं होगी, वरना बाहर रखी रहती तो फफूंदी टाइप से, देखा होगा आप लोगों ने, उसमें फफूंदी टाइप से होने लग जाती है। तो इसलिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ। कम से कम ये मान लो एक हफ्ते के आसपास ये चल जाती है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। कर दिया था, करने के बाद थोड़े से यहाँ पर बर्तन रखे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा ना उनको भी साफ़ कर दूँ। और मम्मी नहा के आ चुकी हैं, तो ना ये है कि अपना उन्होंने मैक्सी डाल रखी है, मैक्सी डाल के सब बाहर, क्योंकि ना फिर बाथरूम में साड़ी वगैरह नहीं पहनी जाती और फिर ना गीली भी हो जाती है, तो इसलिए वो अपना मैक्सी डाल के आ गई हैं बाहर, अपना साड़ी यहाँ पहन लेंगी। तो यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा चाय फाय के जो बर्तन रखे हुए थे वो सभी मैं यहाँ पर कर दी थी साफ़। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत काम तो पहले ही कर लिया था, थोड़ा सा मेरा रह गया था तो उसको भी कर ली थी। और अभी तो मैं भी नहीं नहाई, मम्मी नहा ली हैं, पापा वहाँ पर, अभी पापा भी नहाएंगे। तो मतलब ये मान लो अभी कोई भी नहीं नहाया, जस्ट मम्मी नहाई हैं, तो सभी का ही रह गया। तो फिर पहले मैंने ये सोचा था कि पहले मैं अपना किचन का थोड़ा सा काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि फिर नहा के आओ फिर ना झाड़ू वगैरह उसको लगाओ तो कपड़े भी फिर गंदे होते हो, फिर मन भी नहीं करता। तो इसलिए पहले घर का सारा काम को कम्प्लीट करने के बाद ही फिर मैं जाती हूँ अपना आने के लिए। तो बर्तन मैंने यहाँ पर वॉश कर दिए थे और स्लिप वगैरह मैंने साफ़ कर दी है। जो भी काम के बर्तन वगैरह थे, जैसे आटा वगैरह लगाना था, वो भी मैंने यहाँ पर लगा के रख दिया है। सब्जी मम्मी ने ही जब नहाने गई थी उससे पहले ही वो बना के रख गई थी, आलू मटर की मम्मी ने रसीली सब्जी बनाई थी, तो वो रखे कढ़ाई में ही रख दी थी, उन्होंने निकाल के अभी नहीं रखी, क्योंकि जब भी खाना
खाएंगे तो वो एक बार फिर से गर्म तो भी हो जाएगी। वो मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दी थी, वापस नहीं मैंने उसमें बाउल में नहीं निकाली है। तो स्लिप वगैरह के बर्तन वगैरह जो भी थे वो सारी चीज़ें मैंने हटा के साफ़ कर दिया था। अभी मैं लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि आटा वगैरह लगाया था तो फिर एक बार तो ऑलरेडी पहले ही झाड़ू लग चुकी है, ये मैं दोबारा लगाने वाली हूँ, क्योंकि अभी ना फिर इसके बाद मैं पोछा लगा दूँगी तो साफ़ घर रहेगा और फिर खाना वगैरह ये सारी चीज़ें रह जाएंगी, तो इसको भी कम्प्लीट मैं कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, जो भी न्यू है चैनल पर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को ऐसे ही न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो सीढ़ी से भी मैं ना झाड़ू लगा के ले आई थी, क्योंकि कल भी मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी सीढ़ी पर, तो सीढ़ी से भी सारा कूड़ा मैंने निकाल लिया है। और कूलर के नीचे भी था, बेड के नीचे काफ़ी डस्ट जमा हो जाता है। वैसे तो ये मान लीजिए रोज़ ही झाड़ू लगती है, फिर भी उसके नीचे इतना बाहर नहीं होता जितना कि बेड के नीचे डस्टिंग हो जाती है, तो वो भी मैंने यहाँ पर साफ़ कर दी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर ना सारा कूड़ा जो है उसमें डस्टबिन में डाल दूँगी उठा के, फिर जो कूड़े वाली आएंगी लेने तो उनके लिए चला तो भी जाए, क्योंकि अभी तक आज वो लेट हो गई हैं, अभी नहीं आई कूड़ा लेने के लिए, इसलिए फिर मैंने भी सोचा कि चलो फटाफट से मैं यहाँ पर कर देती हूँ सारा कूड़ा, वो लेते भी जाएंगी। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।